महागठबंधन के तरफ से सीट शेयरिंग फार्मूला जो है वो तय नहीं हुआ, लेकिन सारण सीट से रोहिणी आचार्य यानी लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जो है वो मैदान में उतरने जा रही है। इससे बता दें कि मीसा भारती जो है वो पाटलिपुत्रा सीट से चुनाव लड़ेगी। यहीं पे बता दें कि सभी लोग जो है महागठबंधन पर अब एनडीए की ओर से प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। कहना है कि वो जो है किडनी दान डोनेट किए थे, इसलिए लालू प्रसाद यादव जो है उनको चुनाव लड़ा रहे, इससे पहले अपनी बेटी को चुनाव नहीं लड़ाए थे, ऐसा कहना सम्राट चौधरी को। बता दें कि लगातार इससे पहले परिवारवाद के जो आरोप में कहे तो अराजक जो है वो जूझ रहा था, लेकिन अब जो है साफ क्लियर हो गया कि पाटलिपुत्र से भी उनकी बेटी उतरेगी। वहीं पे रोहिणी आचार्य जो है वहाँ चुनाव सारण से लड़ेगी, इसको लेकर के सभी बातें जो है क्लियर हो गया। लेकिन महागठबंधन में बताया जा रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसको लेकर सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। अरविंद केजरीवाल सर, अरविंद केजरीवाल जो गिरफ्तार हो गए हैं कल देर रात को, और उनकी पार्टी कह रही है कि देखिए भ्रष्टाचारियों पे झाड़ू चल रहा है, मोदी की गारंटी है जब तक मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं तब तक इस देश में भ्रष्टाचारियों पे झाड़ू चलता रहेगा। सर, लालू जी ने अपनी बेटी को टिकट दिया। आप देखिए लालू जी टिकट बेचते अभी तक बेटी को टिकट नहीं दिए थे, अब टिकट इसलिए दिया कि उनको तो ये पैसा कहीं से चाहिए, तो पहले पैसा पे टिकट बेचते थे, पैसा पर विधायक खरीदते थे, अब किडनी देकर बेटी को भी टिकट देने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस लोकतंत्र का, अपनी सगी बेटी को सिर्फ इसलिए टिकट देना क्योंकि उसने किडनी दिया। अरे आपका ही बेटी, आपकी ही बेटी है, इसमें कहाँ दो मत है, आपके लिए करना ही चाहिए बेटी को आगे बढ़कर, लेकिन आज तक टिकट क्यों नहीं दिए थे। टिकट किडनी के बदले टिकट देना ये अपराध है। अंतिम सवाल सर, जिस तरह से यूयू ने ईडी को कह दिया है जांच करने के लिए, जो विधायक है उनका मामला हुआ था, लोकतंत्र है, लोकतंत्र साफ सुथरे रहे, यदि किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने सुन रहा सम्राट चौधरी का साफ तौर पे कहना है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो पहले से ही खरीद बिक्री करते हैं, यानी टिकटों का खरीद बिक्री, उनको किसी भी तरह से पैसा चाहिए, इसलिए अपनी बेटी को जो है वो इस बार उतारे हैं। तो आप साफ तौर पे बता दें कि सीटों का बंटवारा जो है इंडिया गठबंधन में अभी फिक्स नहीं हुआ है कि कौन आदमी कहाँ से कौन सी पार्टी को कितना सीट मिलेगी, लेकिन बता दें कि लालू प्रसाद यादव लगातार जो है एक एक करके प्रत्याशियों को टिकट दे रहे हैं, सिंबल दे रहे हैं, लगातार जो है रावी आवास पे सभी प्रत्याशी पहुंच रहे हैं, सिंबल ले रहे हैं। लगभग कल अभी से बता दें 48 घंटा के अंदर में जो है वो 6 प्रत्याशी के नाम जो है सामने आए हैं जिनको सिंबल राजद की तरफ से मिला है। इसको लेकर के महागठबंधन में बताया जा रहा है कि कांग्रेस पक्ष की ओर से भी नाराजगी चल रही है। वहीं CPI की तरफ से जो खबरें सूत्र बता रही है कि नाराजगी बताई जा रही है पाटलिपुत्रा को लेकर के भी घमासान है। CPI का कहना है कि पाटलिपुत्रा से जो है वो हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर के क्या कुछ आगे अपडेट आता है वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप बने रहे, देखते रहे सच स्टॉक्स। मेरा नाम ऋषि है।